वफाकी हुकूमत ने मुतहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान के 5 सरकारी इदारों के शेयर्स खरीदने की पेशकश कर दी। GTV के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया मुतहिदा अरब अमारात के 12 और 13 जनवरी के दौरे के दौरान मुतहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई और पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर अदारों में UAE की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुतहिदा अरब अमारात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी अदारों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान अबू ज़बी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और शमसी तवानाई के मनसूबों समेत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की एयरपोर्ट मैनेजमेंट और 5 रियासती मलकियती इदारों में अपनी सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों इदारों के पास $300 बिलियन की सरमायाकारी फंड्स का पोर्टफोलियो मौजूद है। फाइनेंस डिवीजन के ज़राए के मुताबिक UAE को ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में शेयर की पेशकश की गई है।